नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। बड़ी खबर है मोतिहारी जिला के पकड़ीदयाल पे, जहां पे कल एक दवा व्यवसायी और मौर्या हॉस्पिटल के संचालक को घर से लौटते वक्त रास्ते पर घात लगाए बैठे अपराधियों ने पहले तो डंडे से इस्तेमाल किया और फिर दो गोली लगाकर मौके से फरार होते बना। लोगों में इतना गुस्सा और आक्रोश भरा है कि आज पूरा पकड़ीदयाल बंद पड़ा है। उसी हॉस्पिटल को संचालन करते थे डॉक्टर प्रेम कुमार। बोलिए, कल यही घटना स्थल है जहां पे मौर्या हॉस्पिटल के संचालक प्रेम कुशवाहा जी का और कुछ अपराधियों ने मिलकर हत्या कर दी। और ये देख सकते हैं, ये डंडा भी है, डंडा से उन्होंने भी मारा था। पहले डंडे का इस्तेमाल किया, उसके बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये देखिए इनकी, ये इतना गुस्सा और आक्रोश था कि पुलिस को देखते ही पुलिस पर टूट पड़ा। स्थानीय हेल्थ सेंटर में इलाज के दौरान मौत होने पर उसे गांव वापस लाया गया। का रो रो कर बुरा हाल रहा तो वही पकड़ीदयाल व्यवसाय संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की भी घोषणा कर डाली। दुकान क्यों बंद की? देखिए, कल हमारे पकड़ीदयाल का एक प्रमुख दवा व्यवसाय का निर्मम हत्या किया गया है। इसके विरोध में हम लोग दुकान बंद किए हैं और हम लोग मांग करते हैं कि हमारे दवा व्यवसायी को उचित मुआवजा मिले, पूरे दवा व्यवसाय को सुरक्षा प्रदान किया जाए और अविलंब अपराधी का गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हम लोग दवा व्यवसायी संघ के तरफ से पकड़ीदयाल अनुमंडल के पूरे दवा दुकान अनिश्चितकालीन बंद रखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुड्डू सिंह हुआ। वही रालोसपा के जिला अध्यक्ष श्री शांत कुशवाहा ने भी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर रहा और उन्होंने सरकार को जंगल राज नहीं महा जंगल राज का भी आरोप लगाया। रालोसपा के प्रखंड अध्यक्ष के हत्या मामले पर केंद्रीय मंत्री शाह, रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्विटर कर कहा कि अब नीतीश सरकार हमारे कितनी रालोसपा कार्यकर्ताओं की बलि चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा के अनुसार उनके कार्यकर्ता को अब तक 19 कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको हत्या कर दिया गया। हत्या का मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ लोगों का कहना है। पतियों के हाथ में खिल रहे हैं कि क्या कर रहा है, जी इतना हत्या हो रहा है। आज पकड़ीदयाल के घर में, आप पकड़ीदयाल में कम से कम 4-5 ऐसा घटनाएं हुई जिसका अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं कि आज इस स्तर पर धरना पूरे ग्रामीणों के बीच में डीएम और एसपी यहाँ पर आवे और घटना जो हुआ है प्रेमचंद्र कुशवाहा जी का, उस अपराधी को तुरंत एसपीजी ट्रायल के तहत इस केस को ले लिया जाए और तुरंत इसका गिरफ्तारी किया जाए और उनके परिवार को कम से कम कोई सरकारी नौकरी दे दिया जाए, सुनिश्चित किया जाए और आर्थिक सहायता यहाँ पर डीएम साहब आकर तुरंत घोषणा करें। ग्रामीणों का राय है कि यहाँ पर जो कोई गश्ती, पुलिस का गश्ती नहीं चल रहा है। चोरमा से आपको सिरहा तक आने में आए दिन रोज छीना झपटी सब चल रहा था, दो दो घटना, तीन तीन घटना हुआ, लेकिन आज तो कोई नहीं गश्ती हो रहा है, नहीं यहाँ पर थाना चौकी पुलिस चौकी का कायम हुआ जो यहाँ पर ग्रामीण कितने दिन से मांग कर रहे हैं कि पुलिस चौकी स्थापना किया जाए। यह सरकार की विफलता हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इसमें हम कहेंगे कि तुरंत आज से लागू हो पुलिस चौकी और एसपीजी ट्रायल करके इस केस को अनुसंधान में लेते हुए तुरंत अपराधी को गिरफ्तार किया जाए और अपराधी के जो है मोबाइल बैग सब मिला है,
हेमलेट मिला है उसको डॉग के माध्यम से तुरंत उसको पकड़ा जाए, क्योंकि पुलिस के हाथ में गया है। लेकिन और यहाँ पर अवैध शराब का कारोबार होता है और उस जगह पर जो है अपराधियों का बोलबाला रहता है और सभी अपराधी मिलजुल करके ऐसा घटना का अंजाम देते हैं। और अभी तक पुलिस से हमारा समझ में है, पुलिस के मिली भगत से ही यहाँ पर शराब का भट्टी कहीं कहीं जो चल रहा है। अभी तक के नीतीश कुमार शराब माफियाओं के द्वारा और यह जो है सो घटना अंजाम दिया जा रहा है हत्याएं का। बिहार में महाजंगल राज कायम है, इसलिए हम कहेंगे नीतीश जी इसमें पूरे के पूरे फेलियोर हैं। पूरे बिहार जो है इसमें डूबा हुआ है, हर जगह आए दिन ही घटना घटती जा रही है।